टॉपिक है इंट्रोडक्शन स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को कहते हैं जो हमें आम आंख से यानी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई। उसके बाद है स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वो प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो एयर है, वाटर है, सॉइल है, इवन हमारी इनसाइड बॉडी, हमारी आउटसाइड बॉडी जो है वो प्रेजेंट होते हैं हम एज अ माइक्रोबायोटा। और हमारी स्किन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या काम होता है कि वो हमारी स्किन को, हमारा जो नॉर्मल फ्लोरा एक्ट कर, एज अ नॉर्मल फ्लोरा वो हमारा एक्ट कर रहे होते हैं तो, और जो बाहर से जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके खिलाफ वो फाइट कर रहे होते हैं। और जो इनसाइड हमारी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं वो हमारी गट में प्रेजेंट होते हैं। गट में ऑलमोस्ट 1 kg जो है वो माइक्रोब्स हम प्रेजेंट होते हैं, उनमें बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं जिनमें मोस्ट कॉमन जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया है। और ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो एज अ ऑपरचुनिस्टिक पैथोजेन वो होता है कि वो अगर किसी बॉडी के किसी और पार्ट में वो चला जाए तो वहाँ पर वो एज अ पैथोजेन ही वर्क करेगा और इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने ज़्यादा नंबर में होते हैं कि अगर हम ओशियंस में देखें ना तो ओशियंस में 100 million टाइम्स एज मच बैक्टीरिया हैं कि जितने यहाँ पे नॉन स्टार्स हैं यूनिवर्स में, उससे 300 million टाइम्स वो ज़्यादा होते हैं। उसके बाद डेली लाइफ में अगर हम इंपॉर्टेंस देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि फूड प्रोडक्शन, ब्रेड की प्रोडक्शन में क्या ईस्ट यूज़ होती है, उसके बाद चीज़ मेकिंग और योगर्ट मेकिंग, इन सब में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही रोल होता है। उसके बाद बायोडिग्रेडेशन देखें तो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में ये जो डीकम्पोजर्स होते हैं जिनमें मोस्टली फंजाई होता है वो सारे जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कमर्शियल गुड्स यानी कि कॉस्मेटिक्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में, वैक्सीन की प्रोडक्शन में, इन सब में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इस तरह से डेली लाइफ में यूज़ हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उसमें ऐसा रोल है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन हो रही है वो बैक्टीरिया की वजह से ही हो रही है। तो इंसुलिन जो है वो भी हमारी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ होती है। हाँ, ये एग्जांपल ये बता चुकी हूँ मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कर्ड और चीज़ को और जो है बनाने में यूज़ होते हैं, और ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कमर्शियल इंपॉर्टेंस में ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, इसमें डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स में वो वर्क कर रहे होते हैं, एग्रीकल्चर में और वाटर में, एयर में, फूड इंडस्ट्री में, वो हर जगह पर यूज़ हो रहे हैं। अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर में माइक्रोबायोलॉजी का और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो प्लांट्स के साथ बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, जो बैक्टीरिया हो गए या फंजाई हो गई, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम फंजाई में देखें तो माइक्रोराइजल जो उसका है, माइक्रोराइजल इंट्रैक्शन है प्लांट्स के साथ, वो भी उसको प्लांट्स को फ़ायदा दे रहा होता है। इसके अलावा मोस्ट बैक्टीरिया जो हैं वो उसकी प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे होते हैं या कार्बन साइकिल वो चला रहे होते हैं। इसके अलावा बहुत से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं प्लांट्स को, और सॉइल की और रूट्स की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद एक्वेटिक माइक्रोबायोलॉजी में देखें तो पानी में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट, और उसके अलावा अगर हम देखें तो डीकम्पोजर्स होते हैं पानी में, तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसको भी वो डेड डीकम्पोज कर रहे होते हैं, उसको रिसाइकल कर रहे होते हैं। इसके अलावा वाटर में बहुत से बैक्टीरिया होते हैं जो कि इंडिकेटर होते हैं वाटर पोल्यूशन के। उसके बाद एयर माइक्रोबायोलॉजी, एयर में भी जो है ऑल टाइम बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, स्पोर्स ये प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली जो है ये ह्यूमंस को और पोलन्स भी होते हैं जो कि एलर्जीज कॉज कर रहे होते हैं, यानी कि ह्यूमंस को मोस्टली जो है वो ये हार्मफुल ही होते हैं ह्यूमंस के लिए, जैसे एलर्जीज कॉज करती, ठीक है। उसके बाद फूड माइक्रोबायोलॉजी में यही चीज़ की प्रोडक्शन, कर्ड की प्रोडक्शन और ब्रेड की प्रोडक्शन, फर्मेंटेशन ETC, ये बेवरेज में भी ये क्या हो रहा है, ये फर्मेंटेशन के थ्रू जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है ये भी मोस्टली ईस्ट के थ्रू ही होता है। उसके बाद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि जो एनी डिसीज़ कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस इज़ डायग्नोज्ड एंड ट्रीटेड,
उसको डायग्नोज करते हैं और उसको ट्रीट करते हैं किस तरह से, उसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टेस्टिंग या जो कुछ भी हो रहा है वो ये सारा माइक्रो इसी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर आता है।